फ्रेंड्स, दिस इज अर्जुन। वेलकम टू DPSC लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम लेसन प्लान के बारे में। ये लेसन प्लान आपका EVS का रहेगा और इसकी थीम रहेगी फूड या फिर सीजन्स। आप ये दोनों थीम से चला सकते हो। इसके अलावा ये क्लास नर्सरी, क्लास KG, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, बेसिकली क्लास नर्सरी टू क्लास सेकेंड तक आप ये लेसन प्लान चला सकते हो, कर सकते हो यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि सारे सीजन्स कवर करने हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ मैं आपको इसमें थोड़े से टीचिंग एड्स सिखाऊंगी, जो मिनिएचर्स होंगे बेसिकली आपको लेसन प्लान में दिखाने हैं, तो वो लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज कॉमन पेज रहता है, लेसन प्लान, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन। तो नेम में अपना नेम, क्लास जो क्लास में आपने वो लेसन लिया था, नेम, सब्जेक्ट हमारा सोशो इमोशनल हो गया थीम, या फिर आप इसमें अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थीम ले सकते हो। उसके बाद टॉपिक है मेरा फूड अकॉर्डिंग टू सीजन, डेट और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बेसिकली 20 या 30 मिनट्स की ही होती है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू। तो इसमें क्या है, अप्लाई इट इन डेली लाइफ सिचुएशंस। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अप्लाई इट इन डेली लाइफ सिचुएशंस, नो द वैल्यू ऑफ फूड इन आर लाइफ, नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो ये मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो मेरा मेन मोटिव है उस चैप्टर को पढ़ाने का। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट फूड अकॉर्डिंग टू सीजन एंड नो अबाउट सीजन्स। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे हम, मिनिएचर्स लास्ट में देखेंगे। इसका नेक्स्ट पेज से मैंने लिखा है लर्न अबाउट क्रॉप्स, बच्चा फसलों के बारे में भी जानेगा। अब मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का रहे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने फ्लैश कार्ड यूज़ करे फूड्स के, सीजन के, ब्लैकबोर्ड, चौक और डस्टर। उसके बाद आता है मेरा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज में प्यूपिल टीचर विल आस्क, प्यूपिल टीचर पूछेगी डू यू लव टू ईट पकौड़ाज, इन विच सीजन वी ईट चिल्ड एंड कोल्ड फूड, इन विच सीजन वी ईट हॉट फूड। तो इस टाइप से हम पूछ सकते हैं बच्चों से। देखिए ये रहे क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट पेज आता है मेरा इंट्रोडक्शन का। तो प्यूपिल टीचर विल गिव द इंट्रोडक्शन दैट टूडे वी विल लर्न अबाउट फूड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। देन आता है मेरा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में सीरियल नंबर, कंटेंट टॉपिक हो गया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी रेस्पॉन्स। तो आपको क्या करना है, सीजन्स वाइज देना है। पहले आप इंट्रोडक्शन लोगे, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन में हो गया मेरा कि मैं बताऊंगी कि आज हम ये पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट लिया मैंने समर सीजन। तो समर सीजन का ये देखिए मैंने लिखा है, वी ईट कोल्ड एंड लाइट फूड इन समर सीजन, दिस फूड वी ईट इन समर्स आर लाइक वाटरमेलन, मैंगो, मस्क मेलन, एवोकाडोज, ये सब मैंने लिखा है। तो आप एक बार देख सकते हो, हमें इस टाइप से ही लिखना है, ये देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो मेरा है, मैंने लिया है अपना विंटर सीजन। पहले आप समर सीजन का देखिए, समर सीजन का मैंने यहाँ तक लिखा है, तो आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा आई थिंक विजिबल है अच्छे से। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ विंटर्स की। तो विंटर्स में क्या करना है, विंटर्स में द फूड वी ईट इन विंटर्स आर हॉट फूड, फ्राइड एंड हैवी फूड। हम विंटर्स में कैसा फूड खाते हैं, गरम गरम, थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा फ्राइड फूड्स खाते हैं बेसिकली। तो सूप, टी, कॉफ़ी, स्पिनच, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, ओट्स, कैरेट्स, चिकन, हनी, हम ये सब ठंड में खाते हैं। तो आप बच्चों को ये सब बता सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ तक लिखे हनी तक। उसके बाद हम बात करें रेनी सीजन की। तो इन रेनी सीजन वी ईट हॉट फूड एज वेल। आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब बारिश होती है तो मम्मा आपको क्या बनाकर खिलाती हैं, पकौड़ाज, पैनकेक्स वगैरह। तो मैंने लिखा है पकौड़ा, भजियाँ, टी, कॉफ़ी। तो ये हम उसमें खाते हैं रेनी सीजन में, जैसे कि कॉर्न, वड़ा पाव, चाट, मतलब इस टाइप की चीज़ें हम बेसिकली रेनी सीजन में खाते हैं। अब मैं बात करूँ ऑटम की। तो ऑटम में भी हम लोग खाते हैं स्प्राउट्स, कैबेज, क्रेनबेरीज, पम्पकिंस, पॉमीग्रेनेट्स,
स्वीट पटेटोज, तो इस टाइप से आप बच्चों को बता सकते हो। फिर आप इससे क्या होगा, इससे आपका ये भी हो रहा है कि बच्चों को फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नेम पता चल रहे हैं इंग्लिश में, उनको रिकग्निशन आ रही है। अगर आप उनको सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फ्लैश कार्ड दिखाओगे, वेजिटेबल और फ्रूट के आप फ्लैश कार्ड दिखाओ, पिक्चर्स दिखाओ जो भी आपके पास है, ताकि उनको रिकग्निशन हो, उनको इंग्लिश में नाम पता हो। क्योंकि आजकल बच्चों को हर फ्रूट या वेजिटेबल का नाम नहीं पता होता। जैसे कि घिया, घिया को बच्चे सोचते हैं उन्हें नहीं पता होता इंग्लिश में, बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे बॉटल गार्ड या फिर करेले को, या बहुत ऐसी सब्जियां हैं जो रेयर हैं, जो बच्चे खाते भी नहीं हैं और बच्चों को उनका नाम भी नहीं पता होता इंग्लिश में। तो इससे आप बच्चों को इंग्लिश का नेम भी सिखा सकते हो। तो ये देखिए हमारे लेसन प्लान में कितने ज़्यादा मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रही हूँ मैं बच्चों को फूड भी सिखा रही हूँ, मैं बच्चों को सीजन्स भी बता रही हूँ, बच्चों को फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम भी लर्न करा रही हूँ। तो कितना सारा मेरा काम हो रहा है। इसके बाद आता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हम पीस, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रेडिश, कैरेट, फेनल, मशरूम्स, एप्रिकॉट्स, एवोकाडो एक्सेट्रा, हम ये सब खाते हैं हमारा स्प्रिंग सीजन्स में। सो दीज ऑल आर द फूड वी ईट इन समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रिकैप। तो रिकैप्चुलेशन की मैं बात करूँ, तो रिकैप में मैं बच्चों से पूछूंगी व्हाट डू वी ईट इन समर सीजन, गिव मी सम एग्जांपल्स कि हम समर सीजन्स में क्या क्या खाते हैं। व्हाट डू वी ईट इन विंटर्स, व्हाट डू वी ईट इन ऑटम एंड व्हाट डू वी ईट इन स्प्रिंग। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन मेरे हो गए, ये देखिए मैंने भी इसमें यही लिखे हुए हैं। लेकिन अब बात करूँ थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो मैं पूछूंगी एवोकाडोस आर ईटन इन विच सीजन, कौन से सीजन में एवोकाडोस खाए जाते हैं। तो इस टाइप से भी मैं पूछ सकती हूँ। अब होम असाइनमेंट मैंने दिया है मैचिंग, मैंने समोसा बनाया है, आइसक्रीम, रेडिश वगैरह बनाई है, और बच्चों को मैच करना है कि कौन से सीजन में कौन सा वाला फूड खाया जाता है। ये होम असाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टीचर्स रिमार्क, तो टीचर्स रिमार्क तो आप स्पेस छोड़ देंगे, फिर प्यूपिल टीचर सिग्नेचर, देन सुपरवाइजर्स। प्यूपिल टीचर सिग्नेचर हमेशा राइट में आता है और सुपरवाइजर सिग्नेचर हमेशा लेफ्ट में आता है। अब हम बात करें इसके मिनिएचर्स की, जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो मिनिएचर्स एज सच फ्लैश कार्ड्स यूज करे हैं। सबसे पहले देखिए मेरा ब्लैक बोर्ड कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर जो आप पढ़ा रहे हो वो लिखा होना चाहिए। देन आफ्टर मेरे मिनिएचर्स, तो मिनिएचर्स ये थे मेरे फ्लैश कार्ड्स मैंने फ्रूट्स के लगाए हैं, ये देखिए, क्योंकि मैं यही दिखाए थे मैंने बच्चों को, तो उनका छोटा वर्जन मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग टाइप्स के फूड हो गए, ये भी मेरे फूड्स हैं, तो मैंने ये सारे फ्लैश कार्ड्स लगाए हैं। और मैंने बीच में भी लगाए थे, अगर आप लोगों ने देखे हो, नोटिस किए हो, तो ये देखिए मैंने यहाँ भी फ्लैश कार्ड्स लगाए थे। सो दीज आर द मिनिएचर्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको और लेसन प्लान सीखने हैं, तो मैं इसी के लास्ट में अभी एक लेसन प्लान की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, आप वहाँ चेक करना, आपको बहुत सारे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।